तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे फ्रेंड कि जो भी पैनल पे ट्रबल आता है उसको हम लोग एनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं। तो प्लीज बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये अपना फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है जो कि सिंप्लेक्स का है। अभी इसका हम लोग एनेबल और डिसेबल सीखेंगे कैसे होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, अभी मेरे पैनल पे कितना ट्रबल शो कर रहा है, अभी 2 कर रहा है शो। इसको हम लोग एनेबल कैसे करें, एक डिवाइस को मैं उसको क्लीन करके उसको हम लोग क्या किए हैं उसको डिसेबल किया हूँ, उसको आपको इनेबल करके दिखाऊंगा, ये आपका ट्रबल चला जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मेन मेनू में जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, लॉगिन में जाना है। यहाँ से आपको लॉगिन में जाना है, एंटर करना है, उसके बाद फिर एक बार एंटर करना है, उसके बाद देख सकते हैं पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड आपको डालना है 3 1 2 3 3 और 3 0, उसके बाद आपको एंटर, देख सकते हैं आपको एंटर सक्सेसफुल दिखा रहा है लॉगिन। उसके बाद आपको जाना है कंट्रोल व्यू में जाना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। देख सकते हैं मॉड्यूल नंबर है, अभी जिसमें ट्रबल आएगा उसको हम लोग देख सकते हैं। ये 5 नंबर डिटेक्टर का ग्राउंड फ्लोर भी ट्रबल में है, इसको हम लोग अभी एनेबल करेंगे। ओके फ्रेंड, तो एंटर किए, उसके बाद देख सकते हैं अभी एनेबल करेंगे हम लोग एंटर, काउंट डाउन लेता है, उसके बाद आपको ये एनेबल हो जाएगा डिवाइस और यहाँ पे जो ट्रबल आपका शो कर रहा था वो चला जाएगा। ओके फ्रेंड, तो देख सकते हैं अभी ये आ गया आपका 16 पे आ गया, उसके बाद 15 ऐसे कॉन डाउन नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन की तरफ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसके बाद ये ट्रबल आपको चला जाएगा। इसी तरह आपको अगर आपको कोई भी डिवाइस पे जो भी अपना डिवाइस अगर ट्रबल में है तो उसको आप एनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं, सेम मेथड है। आपको एनेबल में रखना है तो एनेबल करके रखिए, उसके बाद आपको डिसेबल में रखना है तो डिसेबल करके रखिए। ओके फ्रेंड, इसी तरह इसका पूरा सिस्टम इसी तरह काम करते हैं। आपको जैसे कि एक एनेबल किए आप उसको डिवाइस को, अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रबल चला गया, अभी यहाँ पर एक ही ट्रबल शो कर रहा है जो कि 11 नंबर है डिटेक्टर ग्राउंड फ्लोर पर है, ये एक ट्रबल बचा। ओके फ्रेंड, इसी तरह आपको हर एक जो भी अगर ट्रबल में है, फायर में है, तो आपको उसको एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि आपको जाना है मेनू में जाना, उसके बाद लॉगिन में जाना है, उसके बाद आपको एंटर करना है, एंटर के बाद आपको फिर से एक बार एंटर करना है, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है 3 1 2 3 0, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट के बाद आपको देख सकते उसके बाद कंट्रोल व्यू में जाना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको जितना भी डिटेक्टर रहेगा, जितना भी सभी डिवाइस रहेगा वहाँ पे आपको शो करेगा। ओके फ्रेंड, ऐसे आपको नॉर्मल दिखेगा तो सही है, नॉर्मल ये जो दिख रहा है ना ये सही है। आप यहाँ पे जाओगे तो ये देख सकते हैं 11 नंबर ग्राउंड पर ये ट्रबल में है, ये ट्रबल में, इसको आप कर सकते हो, उसको प्रॉब्लम है इसके लिए वो ट्रबल में शो कर रहा है। ओके फ्रेंड, तो इसी तरह आपको नेक्स्ट करते जाइएगा, चेक करते जाइएगा, जो भी अगर आप नॉर्मल नहीं रहेगा तो उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, ताकि यहाँ पे ये बीप बीप का साउंड ना आए, इसी तरह आप सिंप्लेक्स में कर सकते हैं फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह फायर से फायर अलार्म वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।